नमस्कार बच्चों, हिस्ट्री क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। अपने पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हमने उसके नगरों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, उनके धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ा, उनके आध्यात्मिक विश्वासों के बारे में पढ़ा। जब मनुष्य आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में सोचता है तो इस विश्व को अपने आध्यात्मिक विश्व से एक शांति प्रिय दुनिया से जोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन वास्तविक जीवन में हमें जीने के लिए अध्यात्म के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, और उन अन्य चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होता है व्यक्ति के ज़रूरतों को पूरा करने वाली ऐसी कोई गतिविधि जिससे वह अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अपने बात कर रहे हैं आर्थिक क्रियाओं की। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो अपना जीवन यापन करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिन कार्यों को करके अपने ज़रूरतों हेतु धन अर्जित करते थे या ज़रूरतों की जो आवश्यकता आवश्यक वस्तुएं थी उनको अर्जित करने का जो कार्य करते थे वह आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी थी या किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ उनके द्वारा की जाती थी, इसकी चर्चा करते हैं अपने उनके आर्थिक जीवन के पॉइंट में। तो देखिए, आर्थिक जीवन की जब अपने बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस समय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा होगा, कृषि। एक चीज़ जो मैंने फर्स्ट वीडियो से आपको लगातार बताई है कि सिंधुवासी जो थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल लोग थे वो क्या थे, वॉरियर्स नहीं थे, ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे। और जब अपने बात करते हैं व्यापारियों की तो व्यापारिक गतिविधियों या व्यापारिक वस्तुओं का निर्माण होना अवश्य ही है, ठीक है। तो पहला अगर बात करें अपने तो कृषि, तो जाहिर सी बात है मनुष्य को खाने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, कच्चे माल के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, वो कृषि के द्वारा उत्पादित होती है। तो पहला उनका आर्थिक कार्य क्या रहेगा, कृषि रहेगा। लेकिन अगर बात करें अपने उनके अन्य आर्थिक गतिविधियों की तो कृषि के अलावा वह पशुपालन, घरेलू उद्योग धंधे, यानी छोटे स्तर के कुटीर उद्योग धंधे, या फिर इसके अलावा व्यापार वाणिज्य, यह उनके आर्थिक कार्य हुआ करते थे। इन्हें आर्थिक गतिविधियों की सहायता से वह सिंधुवासी अपने और अपने नगर को, स्वयं को और अपने नगर को उन्नत बनाने का कार्य लगातार करते रहते थे। अभी देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अपने उनके आर्थिक जीवन में कृषि की। कृषि का महत्व क्या था या किस प्रकार की चीज़ों की वो कृषि किया करते थे, क्या क्या अनाज उस समय वो उत्पादित किया करते थे। तो सबसे पहली बात, हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा है कि पाकिस्तान के पंजाब के आसपास यह सभ्यता पनपी हुई थी, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में है, ठीक है, हरियाणा पंजाब तो आजकल फिर भी क्या है, हरा भरा प्रदेश है। लेकिन यह सारे के सारे क्षेत्र कहाँ आते हैं, जो थार का रेगिस्तान है वहाँ पर आते हैं। लेकिन आज की तरह यह क्षेत्र उस समय रेगिस्तान या रेतीली भूमि वाला नहीं था, रेतीली भूमि वाला नहीं था। वह उस समय नदियों द्वारा पोषित हरे भरे मैदानों का एक बहुत बड़ा भाग हुआ करता था। यानी यह सभ्यता जिस क्षेत्र में फैली हुई थी वो सिंधु सरस्वती नदी के मैदानों के अंतर्गत रहती थी। और जब मैदानी भूभाग है, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी के द्वारा उपजाऊ मृदा वहाँ पर इकट्ठी होती है, तो जाहिर सी बात है कृषि तो क्या है, अपने उन्नत प्रकार की ही होगी। कृषि जो थी वह बहुत ही उन्नत प्रकार की हुआ करती थी, यानी अच्छे फसल और अच्छी पैदावार ये प्राप्त किया करते थे। बात करते हैं इनके जो खेती हुई है उनमें मुख्य अनाजों की। ये पॉइंट्स को अपने लगातार एक एक करके पढ़ते रहेंगे। अनाज की अगर बात करें उस समय तो गेहूं और जौ दोनों की फसलों के दाने मिले हैं, अवशेष मिले हैं। गेहूं और जौ के अलावा सिंधुवासी जो थे वो चावल, मटर,
तिल इनकी भी खेती किया करते थे, यानी इन चीज़ों के भी अवशेष मिले हैं। क्या क्या? गेहूं है, जौ, चावल, मटर और तिल, इन चीज़ों की खेती उनके द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट अगर बात करें अपने तो व्यापारिक फसल जो होती इनकी, ये तो खाद्यान्न फसल हो गई, व्यापारिक फसलों में मुख्य फसल थी कपास। व्यापारिक फसलों में सबसे मुख्य फसल उनकी थी कपास। अब अगर बात करें अपने हड़प्पा के कुछ जो पात्र हैं उन पर कुछ फलों के चित्र मिले हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन फलों के बारे में वो जानते थे और उन फलों की खेती या उन फलों की पैदावार वहाँ पर होती थी। वो चित्र मिले हैं हड़प्पा में नारियल, केला, खजूर, खजूर, अनार, इन चीज़ों के चित्र वहाँ के हड़प्पा के पात्रों पर मिले हैं। तो यह उनके प्रमुख फसलों और फलों के कुछ उदाहरण हैं। खेती करने के लिए किस प्रकार के हलों का वो इस्तेमाल करते थे इसकी कोई विशेष साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी हल अभी तक क्या हैं क्वेश्चन मार्क के आगे, यानी हल के आगे अभी भी क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं है हल कैसे होते थे। लेकिन वो अनाज को पीसते थे, इन चीज़ों के साक्ष्य अवश्य मिले हैं। ठीक है, अनाज जो वह जैसे भी पीसते थे, जैसा कि मैंने बताया था, बड़े बड़े ओंखलियों या चक्कियों के अंतर्गत पीसा जाता था, ओंखलियाँ या चक्कियों के माध्यम से अनाज को पीसा जाता था। कृषि के लिए जो सिंचाई की व्यवस्था थी, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि नहरों के माध्यम से सिंचाई होती थी, नदियों से नहरें बनाकर क्या हैं सिंचाई के लिए लाते थे। लेकिन महत्वपूर्ण या प्रूफ करने वाले साक्ष्य नहीं मिले हैं कि वो सिंचाई के लिए इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कुछ अवशेष ऐसे मिलते हैं जिनसे अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंचाई की व्यवस्था अच्छी रही होगी, क्योंकि एक तो क्या है नदियों के आसपास का क्षेत्र है तो सिंचाई व्यवस्था ऑटोमेटिक ही सुदृढ़ होगी, तभी अच्छी फसल हो सकती है। नहरों के द्वारा या कुएं बहुत ज़्यादा संख्या में मिले हैं तो अंदाज़ा इस बात का भी लगाया जा सकता है कि कुएँ हो सकते हैं वहाँ पर सिंचाई के माध्यम। तो यह था उनका कृषि का। ठीक है, एक और अनाज तोलने के लिए भी वो चीज़ों की व्यवस्था करके रखते थे जिनको बंटखरे कहा जाता था। बंटखरे, अनाज तोलने के लिए बंटखरों को रखते थे। अब बात करें अपने तो अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, लाने के लिए तो बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, और यही सब कुछ क्या है उनकी कृषि व्यवस्था के ढांचा था। तो यह थी उनका कृषि, आर्थिक जीवन में कृषि का योगदान। क्या कृषि किया करते थे? क्योंकि उपजाऊ भूभाग था, क्योंकि नदियों द्वारा पोषित और सिंचित क्षेत्र था, जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा, सिंधु और सरस्वती नदियां या सिंधु की सहायक नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी वहां पर लाकर जमाई जाती थी, जिसके कारण अच्छी कृषि होती थी या फसल अच्छी होती थी। मुख्य अनाज में गेहूँ और जौ दोनों के साक्ष्य मिले हैं, चावल भी मिले हैं, मटर, तिल और कपास इनकी प्रमुख व्यापारिक फसल थी। व्यापारिक फसल या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो उनको कारखानों में काम आने वाली फसलों में से एक थी। इसके अलावा फलों में अगर देखें तो नारियल, केला या खजूर या अनार, इस प्रकार की चीज़ों को वो क्या है कंज्यूम करते थे, उपभोग करते थे। इस प्रकार के साक्ष्य हड़प्पा के कुछ बर्तनों के चित्रों पर मिले हैं। नेक्स्ट, अनाज को पीसा जाता था ओंखलियों और चक्कियों के द्वारा, हल के साक्ष्य नहीं मिले हैं, सिंचाई के एग्जैक्ट एविडेंसेस नहीं मिले हैं, लेकिन नहरों और कुओं के माध्यम से सिंचाई करते होंगे इस पर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर कुएँ भी अच्छी मात्रा में मिले हैं, यानी संख्या बहुत ज़्यादा है कुओं की, और नहरें शायद वो बांध बनाकर वाड़ के पानी को रोक कर क्या है नहरें बनाकर सिंचाई किया करते होंगे, इस बात का अंदाज़ा अपने लगा सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं उनके दूसरे प्रमुख व्यवसाय या दूसरे जीवन के आधार की बात करें तो कृषि कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पशुपालन भी होगा ही होगा। पशुपालन, देखिए पशु पालन कृषि का ही एक भाग है या एक अभिन्न अंग है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और उस समय तो
जो आज के एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है तो पशु अवश्य ही काम आते होंगे, किसके लिए? कृषि के लिए। देखिए, कृषि कार्यों के साथ साथ सिंधुवासी जो है वो पशुपालन का व्यवसाय भी किया करते थे। इस बात का पता कैसे चलता है? इस बात का पता चलता है कि वहाँ पर अनेक मुद्राओं के ऊपर चित्र उत्कीर्ण किए हुए हैं अनेक पशुओं के। ये चीज़ हमने पशुओं के बारे में पहले भी पढ़ा है उनके धार्मिक विश्वासों में, ठीक है। तो पशुओं को पालते ही थे अवश्य ही ये बात, और पशुओं की पूजा भी करते थे, तो दोनों ही बातें अपने क्या है इस पॉइंट के अंदर रख सकते हैं। और वही चीज़ें रहेंगी जैसे उस समय मैंने जिक्र किया था, बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, इन चीजों को वो पाला करते थे, ठीक है। जो गाय है उसका धार्मिक महत्व आज के जैसे या बाद में ऋग्वेदिक काल में जो गाय का धार्मिक महत्व बढ़ गया था, उतना धार्मिक महत्व तो नहीं था, लेकिन दूध के लिए या दूध प्राप्त करने के लिए गाय को जरूर पाला जाता था। वैसे भी पशु क्या है, किसी भी प्रकार से पाला जाए बहुत अच्छा कार्य रहता है, उनकी हमें ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत है और उनको हमारी ज़रूरत है, दोनों ही बातें होती हैं, ठीक है। तो बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर और गाय, इनको वो पाला करते थे। इस बात के क्या हैं साक्ष्य मिलते हैं, मुद्राओं के ऊपर उनके चित्र मिलते हैं। दूसरा कि हाथी के चित्र भी मिले हैं, ये चीज़ मैंने बताई थी पहले भी, धार्मिक विश्वास वालों में भी हाथियों के चित्र मिले हैं। तो हो सकता है हाथी शायद किसी विशेष प्रयोजन हेतु या राज परिवार के लोग यूज किया करते होंगे, क्योंकि बाद में आमतौर पर ऐसा ही होता हुआ हमने देखा है। और नेक्स्टली अगर बात करें अपने, तो जो पुरातत्वविद है उनके अनुमान के अनुसार ये घोड़े नहीं पाला करते थे, और हो सकता है ये घोड़े को जानते हों, पुरातत्वविद ऐसा मानते हैं कि हो सकता है ये घोड़े को जानते हों कि हाँ भी ऐसा कोई जीव है, लेकिन उसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं था, विशेष महत्व नहीं था। इसी के कारण बहुत सी या किसी भी मुद्रा पर क्या है घोड़े के चित्र नहीं मिले हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये जीव मिल रहे हैं और घोड़ा नहीं मिल रहा है, घोड़ा कहीं दूसरी जगह से तो चल के आया नहीं होगा या बाद में तो कोई लाए नहीं होंगे, यहाँ पर भी किसी न किसी नस्ल के घोड़े जरूर रहते होंगे। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि घोड़ों को जानते जरूर थे, उनको घोड़ों के बारे में पता जरूर था, लेकिन वो उनको विशेष महत्व नहीं देते होंगे। हो सकता है गधों और बैलों के द्वारा ही वो सामान की आवाजाही करते होंगे, ढोते होंगे, इसीलिए। तो बैल, गाय, भैंस वगैरह इनको पाला करते थे, घोड़े के बारे में कोई एक मत नहीं है। अगर बात करें इसके अलावा तो बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरण, मुर्गा, ये छोटे मोटे जीवों को बारे में भी वो जानते थे, और हो सकता है कहीं कहीं इनको पाला भी जाता हो, ठीक है। साधारण तौर पर इनका यूज किया जाता था। अब इस बात के क्या है कुछ प्रमाण मिलते हैं कि शायद मांस खाते होंगे, क्योंकि हो सकता है किसी न किसी के शरीर की जरूरत होगी वो, तो मांस शायद खाया जाता था। हाँ, ऊंट की सत्ता के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि हाँ भाई ऊंट यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण था। अब देखिए, प्रकृति का नियम है कि जरूरत के अनुसार ही हर एक चीज़ का निर्माण होता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यह नियम हर एक व्यक्ति पर और प्रकृति के हर एक क्षेत्र में लागू होता है। तो जैसे जैसे रेगिस्तान बड़ा होगा वैसे वैसे ऊँटों की आवश्यकता ज़्यादा बड़ी होगी। तो उस समय रेगिस्तान था नहीं तो ऊँटों की इतनी महत्व नहीं होगा, इसीलिए क्या है ऊँटों के बारे में इतना विशेष वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन बाद में ऊँट हमारे लिए आज के समय में जो क्षेत्र है राजस्थान और रेगिस्तानी जो क्षेत्र है वहाँ पर ऊँट क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। रेगिस्तान का झाज कहा जाता है, तो कोई ना कोई तो बात अवश्य होगी। नेक्स्ट अगर बात करें अपने उनके घरेलू उद्योग धंधों, देखिए भारत की हमेशा से इस सभ्यता के मिलने के बाद और भी ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि भारत क्या है व्यापार के मामले में, उद्योगों के मामले में विश्व को सिखाने वाला है। तो घरों में उद्योग धंधे चलते हैं, ठीक है। विश्व के किसी भी देश में या किसी भी सभ्यता में ऐसा नहीं होगा कि इतने उन्नत स्तर पर, इतने बड़े स्तर पर उत्पादन होता होगा किसी भी चीज़ का
लेकिन यहाँ पर इस सभ्यता में और बाकी अन्य सभ्यताओं में भी क्या है, घरेलू उद्योग धंधों और भारत के बाद के इतिहास में भी क्या है, घरेलू उद्योग धंधों का बहुत महत्व था। लेकिन और यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं हमेशा से ही, जब तक अंग्रेज नहीं आए थे और जब तक कि उन्होंने इन उद्योग धंधों को बंद नहीं करवा दिया था, तब तक क्या है, यह हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की तरह काम में आते रहे हैं। अभी बात करते हैं उस समय के घरेलू उद्योग धंधों की। तो घरेलू उद्योग धंधे विकसित थे, ये क्या है, सूत ऊन को काटना या बुनना जानते थे। इसके अलावा मिट्टी धातु पत्थर इन चीज़ों के द्वारा बहुत सी चीज़ों का निर्माण किया करते थे। चौहुंदड़ो जो क्षेत्र है वहाँ पर दयाराम साहनी को एक चांदी के घोड़े पर सूती वस्त्र और अन्य चांदी का घड़ा मिला है और उस चांदी के घड़े के ऊपर क्या है, सूती धागे मिले हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कपास से धागा बनाना जानते थे और उसको बुनना जानते थे। काफ़ी एडवांस थे, जितना आपने सोचते हैं कि हाँ इतने पुराने समय में 4600 साल आज से लगभग 4600 साल पहले के लोग किन किन प्रकार की चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, यह चीज़ें आश्चर्यचकित करने वाली हैं हमारे आज के दौर के समय भी। ठीक है, तो एक तो क्या है, घड़े पर सूती वस्त्र और सूत के धागे मिले हैं, खुदाई में प्राप्त बहुत सी मूर्तियां हैं उनके ऊपर वस्त्र बनाए हुए दिखाई गए हैं, सिर्फ नग्न मूर्तियां नहीं हैं, उनके ऊपर वस्त्र बनाए हुए भी दिखाई गए हैं या वस्त्र भी उकेरे गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि वस्त्रों का उपयोग बहुत बड़े स्तर पर था। सिंधुवासी जो थे वो सूत तथा ऊन को कातना जानते थे, कपड़े बनाना जानते थे। अब जो हमारे एक इतिहासकार हैं नीलकंठ शास्त्री, नीलकंठ शास्त्री का मत है कि जो मिस्र के अंदर ममीज हैं उनको जो ढका जाता था, उनको जो जिन पट्टियों से लपेट कर रखा जाता था, वो पट्टियाँ किसकी थी, मलमल की थी, और मलमल और सूती किसकी है, मलमल की जो पट्टियाँ हैं वो कहाँ से पहुँचाई जाती थी, सिंधु घाटी से पहुंचाई जाती थी या इस सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा मिस्र में पहुंचाई जाती थी। जो ममीज क्या है मिस्र के अंदर जिनको ढककर रखा गया था, उनकी जो पट्टियां मलमल की बनी हुई है, वो मलमल जो है वो सिंधु वासियों के द्वारा वहां पर पहुंचाया जाता था। ऐसा मत किसका है, नीलकंठ शास्त्री जी का है। तो हमारे लिए भी यह भी क्या है, एक अचीवमेंट है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मलमल जैसा महीन प्रकार का कपड़ा या महीन प्रकार की कारीगरी जो है वो उस समय के लोगों को आती थी, महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरी बात करें तो सूती भी कपड़े बनते थे, ऊनी कपड़े भी बनते थे, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनको रंगा जाता था अलग अलग डिजाइनों में, अलग अलग डिजाइंस में इनको क्या किया जाता था, रंगा जाता था, जिससे पता चलता है कि रंगरेज भी यहाँ पर हुआ करते थे। रंगरेज क्या होते हैं, इन रंगों के द्वारा इन कपड़ों को रंगने वालों को क्या कहा जाता है, रंगरेज कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें अपने, तो मूर्तियों मुद्राओं और खिलौनों और बर्तनों के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी सिर्फ कपड़े नहीं, अलग अलग प्रकार के औजार, मूर्तियाँ, खिलौने भी और मुद्राएं भी यह क्या है बनाया करते थे। ठीक है, कुम्हार के चाक का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन ऐसा अवश्य कहा गया है कि ये जो आकार दिया गया है बर्तनों को, मूर्तियों को या अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें बनाई गई हैं मिट्टी से, वो अवश्य ही चाक के ऊपर ही बनाई गई होंगी। हाथ से बनाई गई मूर्तियों के भी साक्ष्य मिले हैं। एक जगह मोहनजोदड़ो में क्या है, तांबा पिघलाकर इकट्ठा किया हुआ मिला है, जिससे पता चलता है कि ये पहले धातु को पिघलाते थे, बाद में किसी सांचे में डालकर उसको वह आकार देते होंगे। तो
अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे ये। कुछ स्टाम्प्स मिले हैं, स्टंप्स या मुद्राएं जिनको कहते हैं, अपने जो मोहर मारने के लिए काम में लेते हैं ना, ठीक है, स्टाम्प्स, वह भी मिली हैं। इसके अलावा व्यापारिक आदान प्रदान था चीज़ों का, और ये मोहरें क्या होती थी, उसी व्यापारिक आदान प्रदान के लिए काम में आती थी। यानी इनका व्यापार काफ़ी उन्नत था और विश्वासजनक व्यापार हो इसके लिए ये क्या करते थे, इसके लिए ये चीज़ों को पैक किया करते थे और बाद में उसके ऊपर मिट्टी की एक मोहर लगा देते थे, कच्ची मिट्टी से उसको बांध ऊपर लगा देते थे कच्ची मिट्टी, और उसके ऊपर एक मोहर के द्वारा चिन्ह बना दिया जाता था और वह एक सील के रूप में काम किया करते थे। अगर वह टूटी हुई है, खंडित है, तो सामान क्या है नहीं लिया जाता था, अन्यथा वह सामान सुरक्षित है, इस विश्वास के साथ वो व्यापार किया करते थे। यानी व्यापारिक जो तरीके थे वो भी आधुनिक प्रकार के हुआ करते थे। आजकल देखते हैं अपने चीज़ों पर सील पैक चीज़ें आती हैं, तो वो उस समय की टेक्निक भी यह यूज किया करती थी, या चीज़ें वो भी इस प्रकार की यूज किया करते थे। इसके अलावा मूर्तियां बनाने में निपुण थे, पाषाण घिया पत्थर की मुद्राएं बनी हैं, और पाषाण के स्तंभों पर क्या है, पच्चीकारी की हुई मिली है। पच्चीकारी का मतलब होता है उन पर तरह तरह के डिजाइन किए गए हैं, कार्विंग्स की गई हैं, जिससे वह स्तंभों को एक बहुत ही सुंदर रूप प्रदान कर देते हैं। आगे बात करते हैं अपने, एक सेकेंड पानी पी लेता हूँ मैं। आगे बात करते हैं उन्हें कि धातु की मूर्तियां बनाया करते थे। अब धातु जो वो इस्तेमाल किया करते थे वो मिश्रित धातुओं का इस्तेमाल किया करते थे। तांबा अफगानिस्तान वगैरह या ईरान वगैरह और राजस्थान से मंगाया जाता था। अलग अलग प्रकार की चीज़ों को ईरान, इराक, अफगानिस्तान से मंगाते थे, क्योंकि ऐसी चीज़ें मिली हैं जो यहाँ पर नहीं हैं लेकिन वहाँ पर अवश्य रूप से प्राप्त होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो यहाँ से बनती थी और वहाँ पहुँचाई गई हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, इन चीज़ों के साथ उनके व्यापारिक संबंध रहे होंगे अफगानिस्तान, इराक, ईरान क्षेत्रों से। अब बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो में क्या है, नर्तकी की मूर्ति मिली है जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, मिश्रित धातु की मूर्ति, कांस्य की मूर्ति जो मिली है। इसके अलावा धातु निर्मित मूर्ति है, वो धातु को क्या है सांचे में डाला जाता था और उसके बाद अलग अलग प्रकार के डिजाइंस, या वो जो सांचा जैसा होता था वैसे डिजाइन से बनाया जाता था। इसके अलावा जो सीप होती हैं, सीप, या इसके बाद बात करें अपने मोती, कुछ महत्वपूर्ण रत्न जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा वगैरह वगैरह, इस प्रकार के जो रत्न हैं उन रत्नों का इस्तेमाल किया जाता था, अनेक धातुओं का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा हाथी दांत के ऊपर कारीगरी करने में भी ये क्या थे, निपुण थे। अनेक प्रकार की एक छड़ मिली है हड़प्पा के अंदर, हाथी दांत की बनी हुई एक छड़ मिली है, जो क्या है बहुत ही, जिसके ऊपर बहुत ही सुंदर पच्चीकारी की गई है, कार्विंग्स जो है बहुत ही सुंदर है। आजकल के लेटेस्ट जो मशीनों के द्वारा डिजाइंस होते हैं, इतने गहराई से इतने छोटे छोटे बारीक जो डिजाइन बनते हैं, वो उस समय वो हाथों से बनाया करते थे हाथी दांत के ऊपर। तो काफ़ी उन्नत तकनीकी कौशल था उनका, उनके पास। रत्नों के ऊपर भी इसी प्रकार से सीपों के भी क्या है चीज़ें बनाई गई हैं। सीप से क्या है बैल गाड़ी, बैल का चित्र बनाया गया है या बैल बनाया गया है, और उसके अंदर छेद करके फिर सींग डाले गए हैं सीप के ही। तो बहुत ही प्रकार उन्नत प्रकार की इनकी तकनीकी कौशल इनके पास रहा था। नेक्स्ट अगर बात करें सोने चांदी या अनेक प्रकार के जो धातु हैं उनकी बनी हुई मालाएँ मिली हैं, गुड़ियाएँ मिली हैं, मालाएँ मिली हैं, और ये मालाओं का क्या है अनेक स्थानों पर ये बेचा भी करते थे, ठीक है। तो चहुंदड़ों में क्या है मालाएं बनाने का कारखाना भी मिला है, चहुंदड़ों में माला बनाने का कारखाना भी मिला है, ठीक है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े स्तर पर यह है इस प्रकार की चीज़ों का निर्माण किया करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं अपने व्यापारिक या व्यापार और वाणिज्य की।
तो इतने प्रकार की चीज़ों को बनाते थे, तो जाहिर सी बात है व्यापार और वाणिज्य भी इनका उन्नत रहा होगा। व्यापार वाणिज्य, सबसे पहली बात व्यापार जो था वो स्थलीय और समुद्री दोनों प्रकार का था। व्यापार स्थलीय और समुद्री दोनों प्रकार से होता था। व्यापार के लिए जो वस्तुएं होती थी, जो महत्वपूर्ण चांदी तांबा या सोने की वस्तुएं होती थी, इनको ईरान अफगानिस्तान आदि देशों से मंगाया जाता था। तांबा जो है वो चांद राजस्थान से, और कीमती पत्थर जो था वो बदखशां से मंगाया जाता था कीमती पत्थर। तो अलग अलग चीज़ों के व्यापार ये क्या है अलग अलग स्थानों से किया करते थे। इसके अलावा समुद्री व्यापार के जो प्रूफ मिलते हैं वो इस बात से मिलते हैं कि कुछ मुद्राओं पर नावों के चित्र हैं, नौकाओं के चित्र हैं। तो हो सकता है बड़े बड़े जस्ते जो है वो समुद्री व्यापार भी किया करते थे इस समय। और बैलगाड़ियों, बैलों, घोड़ों, गधों आदि का इस्तेमाल क्या है माल ढोने के लिए किया जाता था। ईरान, सुमेरियन जो क्षेत्र हैं, सिंधुवासी पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों से, यानी पश्चिमी एशिया के साथ इनका व्यापार जो था वो बहुत ही सुदृढ़ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं तोल और माप के साधन की। तो तोल और माप के साधनों में भी क्या है, ये आज ही की तरह बहुत ही एडवांस थे। इनके यहाँ पर तोलने के लिए बाट मिले हैं, चीज़ों को तोलने के लिए। अब जो बाट मिले हैं वो चौकोर होते थे और उनको छोटी छोटी इकाइयों में बांटा होता था, जैसे एक दो चार आठ सोलह बत्तीस, आठ सोलह बत्तीस चौंसठ, इस प्रकार से उनको बांटा हुआ होता था बाटों को। और यह आज की तरह या प्राचीन भारत में जो पाव, आधा पाव, शेर, इस प्रकार के जो हमारे माप के साधन रहे हैं प्राचीन समय में, ठीक है, छटांग, आधा पाव, पाव, शेर, इस प्रकार के जो हमारे प्राचीन माप तोल के साधन रहे हैं उनका इस्तेमाल भी यह किया करते थे। यानी ये जो बांटा गया है बांटों के इकाइयों को वो इसी आधार पर बांटा गया है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा तोलने की समान पद्धति का ये प्रयोग करते ही थे, और मापने का भी कार्य था। ये तो हो गया तोलने का, मापने के लिए ये स्केल का इस्तेमाल करते थे, फुटे का, फुटे या स्केल का इस्तेमाल किया करते थे। ये जो फुटा बनाते थे वो सीपी, सीपी जानते हो ना, समुद्रों के आसपास मिलती है, ठीक है, शंख जैसी चीज़ों के, तो सीपी का फुटा बनाया हुआ था जिस पर एक समान अनुपात पर निशान किए हुए थे। अब वो जो निशान किए गए थे उनका अनुमान लगाया जाता है कि आज के आधुनिक जो 2.64 इंच है उसके ऊपर एक निशान इनका मिलता था, यानी इस अंतराल से उनका एक एक निशान मिलता है। और जो हमारे पुरातत्वविद हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं कि टोटल इनका जो फुटा होता था वो लगभग 13.2 इंच का होता था आज के, ठीक है। तो मापने के लिए भी इनके पास चीज़ें थी, ठीक है, फुटा स्केल का इस्तेमाल करते थे, तोलने के लिए बाटों का इस्तेमाल होता था, सील पैक चीज़ों के व्यापार किया करते थे। तो हर एक कार्य इनका क्या है एडवांस तरीके का है। अब जो नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे इनके बारे में वो होगा इनका सामाजिक जीवन, इनकी भाषा के बारे में। तो तब तक के लिए आप, उम्मीद करता हूँ, आनंदित रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे, अध्ययनरत रहेंगे, अपने घरों पर सुरक्षित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।